डियर स्टूडेंट्स, अब बताया सेवेंथ पार्ट। ए इज इक्वल टू 8 an 62 sn 210 फाइंड n एंड b। अब an हमें गिवन है, sn गिवन है। an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू पुट की 62, a पुट किया 8, और n और d हमें फाइंड करना है। इसको ऐसे ही रखेंगे तो 62 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 8 को इधर कैरी करो, ये इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 62 माइनस 8 54, तो एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 54 आ जाएगा। अब हमारे पास एस एन क्या गिवन है, एस एन 210 है, तो एस एन की आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना है, 210 है। तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट में से 54 जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमें गिवन है 8, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एन बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी 8, और एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ से पुट कर दिया 54 इसकी जगह पे, तो इज इक्वल टू 210। तो 2 8 द 16, 16 प्लस 54 क्या होता है, 70। तो एन बाई 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 35 इंटू एन हो गया, 35 इंटू एन 210 के इक्वल है, तो एन क्या आ जाएगा हमारे पास, 210 बाई 35, यानी इसको कैंसिल कर डिवाइड करेंगे 35 से, तो 6 पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। अब ये डी भी फाइंड करना है, पुट एन इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इस फर्स्ट में हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन माइनस 1 इंटू डी 54 था फर्स्ट, तो एन की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो 6 माइनस 1 क्या होता है, 5, 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54, डी की वैल्यू आ जाएगी 54 बाई 5। तो यहाँ से हम देखिए एन फाइंड कर लिया और डी फाइंड कर लिया। इसके बाद आता है एट्थ पार्ट। एन गिवन है 4, डी गिवन है 2, एस एन हमें गिवन है माइनस 14, फाइंड एन एंड ए। तो अब ए एन हमें गिवन है, तो ए एन की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू पुट कर दी हमने, और डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, डी की वैल्यू क्या है, 2। तो ए एन हमने पुट कर दिया 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पुट कर दिया 2। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उठा करके इधर ले आएंगे, तो इधर आके ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 2, एन माइनस 1 इंटू 2, डी की वैल्यू हमने 2 पुट की थी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी भाई, ए के इक्वल आ गया ये। अब एस एन का क्या क्या गिवन है, एस एन हमें माइनस 14, तो एस एन की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 14, तो एन इज इक्वल टू क्या है, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 2 पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 की मल्टीप्लाई ए से भी है और एन माइनस 1 से भी है, तो 2 यहाँ से दोनों 2 जो है कॉमन ले लेंगे हम, तो ये 2n बाई 2 इंटू यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 रह जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास फर्स्ट में, 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ये a की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी हमने, 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 ये। अब ये ट्वाइस है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे एन माइनस 1, ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1 में से देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एन माइनस 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस एन माइनस 1, तो एन इंटू 4 माइनस एन माइनस 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, एन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो एन से करेंगे 4n माइनस एन स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एन। तो अब देखिए ये हमारे पास 4n में n ऐड कर लेंगे, 5n माइनस एन स्क्वेयर, 5n माइनस एन स्क्वेयर को इधर कैरी करो, तो ये साइन चेंज हो गई इधर आ करके, तो एन स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
एन में, तो एन हम इसके फैक्टर कर कर के और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये फैक्टर आ जाएंगे इसके, n-7 × n+2 इज इक्वल टू 0। तो इधर n-7 = 0 लेंगे और n+2 = 0 लेंगे, एन की वैल्यू 7 आ गई और -2 आ गई, तो नेगेटिव हमने लेनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 7 लेकर के अब देखिए हम ए फाइंड करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या था हमारे पास, ए इज इक्वल टू 4 − (n-1)2, एन की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो 4 − (7−1)2, 7 − 1 क्या होता है 6, 6 × 2 क्या होता है 12, तो 4 − 12 क्या आ जाएगा हमारे पास -8, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ गया एन। इसके बाद आता है 9th पार्ट, ए इज इक्वल टू 3 है, एन इज इक्वल टू 8 है, एस हमें गिवन है 192, फाइंड डी। तो एस एन हमें दिया है, एस की वैल्यू दी है, सम दिया है एस एन, तो एस एन की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, n/2 × 2a + n-1 × d, एस एन की वैल्यू पुट करो 192, एन हमें की कितना गिवन है 8, 8/2 × 2 × a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 8 − 1 × d, तो ये कैंसिल कर देंगे, 4 × 2 = 6 + 7d, 8 − 1 क्या हो जाएगा 7d। तो 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 = 24, 4 7 = 28d। अब 24 को इधर कैरी करो, 192 − 24 इज इक्वल टू 28d, यानी 28d इज इक्वल टू क्या आ गया 168, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 168/28, इससे कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। तो इसके बाद आता है 10th पार्ट, तो 10th पार्ट में l गिवन है लास्ट टर्म 28, s सम गिवन है 144, n गिवन है 9, फाइंड a। तो ए एन की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू पुट की, तो 28 इज इक्वल टू ए प्लस 9 − 1 × d, 8d हो गया ये, तो 28 इज इक्वल टू ए प्लस 8d या ए प्लस 8d इज इक्वल टू 28, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसके बाद एस एन हमें गिवन है सम, वो क्या है, एस एन का क्या आइडेंटिटी होती है, n/2 × a + l या ए एन, ए एन भी हम इसको ले लेते हैं और एल भी लेते हैं लास्ट टर्म। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू पुट की 144, एन है 9, 9/2 × a + l कितना गिवन है हमें 28 लास्ट टर्म ए एन, तो ये हमने पुट कर दिया, 9/2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, तो 9/2a + 9/2 × 28, इससे कैंसिल करेंगे 28 को 2 से, तो 14 पे चला जाएगा, 14 × 9 = 126, 126 को इधर कैरी करो, 144 − 126 इज इक्वल टू 9/2a, तो इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आ गया, तो 9/2a की इक्वल टू क्या आ गया 18, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 × 2/9, ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 9 से इसको कैंसिल करो, 2 पे कैंसिल हो गया, 9 × 2 = 18, तो 2 × 2 = 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब ये ए की वैल्यू 4 जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो डी आ जाएगा हमारे पास, हम डी भी फाइंड कर देंगे, पुट ए इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, तो ए इज इक्वल ए प्लस 8d था 28 के इक्वल, तो ए की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी प्लस 8d इज इक्वल टू 28, 4 को इधर कैरी करो, 28 − 4 = 24, तो 8d इज इक्वल टू 24 और d की वैल्यू 24/8 यानी 3 आ जाएगी हमारे पास, तो ये ए भी आ गया और डी भी आ गया। तो इस तरह से ये 3rd क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।